काफी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। केरल के त्रिशूर में प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर से ये तस्वीरें, पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, गुरुवायूर मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और प्रधानमंत्री इस वक्त दर्शन के लिए वहीं पर मौजूद है। आगे के कार्यक्रम की बात करूं तो पूजा के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और मंदिर के बारे में और जानकारी आपको दूं तो ये मंदिर 5000 साल पुराना है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री को मालदीव्स के लिए रवाना होना है, उनके दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। वहां की संसद को भी वो संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप गुरुवायूर मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तो काफी बिजी रहे, व्यस्त दिन प्रधानमंत्री का आज इस समय गुरुवायूर मंदिर में। गुरुवायूर मंदिर आपको बता दूं केरल के त्रिशूर में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जाते हैं और अभी आपने देखा भी बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं और आम लोग भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। मंदिर की बात की जाए तो 5000 साल पुराना ये मंदिर, और थोड़े दिन पहले आपको वाराणसी की तस्वीरें भी याद होंगी, पूजा करने के लिए गए थे, शिव भक्त हैं और अब त्रिशूर से ये तस्वीरें, गुरुवायूर मंदिर से, केरला का गुरुवायूर मंदिर 5000 साल पुराना, वहां से ये ताजा तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर की इस समय आपके स्क्रीन पर। उसके बाद अब ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री केरल से जा रहे हैं मालदीव्स, वहां से जाएंगे श्रीलंका और फिर वापसी में आंध्रा जाएंगे। तो दो दिनों में आप लगा लीजिए भारत के दो राज्यों को कवर करेंगे और दुनिया के दो देशों को कवर करेंगे। मालदीव्स की पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर मोदी संबोधित करने वाले हैं और साथ ही हर किसी की निगाहें ये श्रीलंका, जहां पर टेररिस्ट अटैक्स के बाद काफी समस्याएं, भारत ने मदद की, कई बार पेशकश की है, चाहे वो इंटेलिजेंस से जुड़े मामले हों या फिर और किसी तरह की मदद की जरूरत हो। और कहा जा रहा है कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, भारत और श्रीलंका के बीच कई अहम कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से मालदीव्स के राष्ट्रपति का शुक्रिया भी अदा किया गया था। उन्होंने कहा था कि मुझे मौका मिला था जब राष्ट्रपति की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी पिछले साल नवंबर में, और मालदीव्स हिंदुस्तान का एक वैल्यूड पार्टनर है और लंबा इतिहास और कल्चर भारत और मालदीव्स साझा करते हैं। तो 8 और 9 जून मालदीव्स और श्रीलंका का कार्यक्रम, नेबरहुड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी और जो मैरीटाइम नेबर्स हैं इन्हीं के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने की ये कोशिश। लेकिन इस समय की जो तस्वीरें हैं ये तो मैं आपको बता रही हूँ प्रधानमंत्री का आगे का क्या कार्यक्रम है, लेकिन इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, गुरुवायूर मंदिर की, 5000 साल पुराना ये मंदिर, प्रधानमंत्री इस समय वहां पर दर्शन कर रहे हैं और दर्शन के बाद वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे केरल में बीजेपी अस्तित्व तलाशते हुए। प्रधानमंत्री मोदी केरल के त्रिशूर जिले के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में, तो दर्शन जारी है प्रधानमंत्री का। गुरुवायूर मंदिर बार बार आपको बता रहे हैं,
भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, 5000 साल पुराना ये मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। साथ ही थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे और साथ ही प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया और मंदिर से जुड़े हुए लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। अब ये अपने आप में दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री दो दिन के लिए दो देशों के दौरे पर जा रहे हैं और उससे पहले वो केरल में थ्रिसूर में गुरुवायूर मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंचे। देखिए वो तस्वीरें, लोग वेव करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ, प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़कर मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए। और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं गुरुवायूर मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, शिव भक्त कहे जाते हैं। थोड़े दिन पहले की तस्वीरें आपको याद होंगी, वाराणसी से आई थी पूजा अर्चना करते हुए, अब केरल से तस्वीरें गुरुवायूर मंदिर से प्राइम मिनिस्टर की। और यहां पर आपके लिए ये समझना भी जरूरी कि प्राइम मिनिस्टर यहां से मालदीव्स जा रहे हैं, मालदीव्स के साथ संबंधों को स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो संबंध रहे बीच में उसमें एक तनाव देखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री पिछले साल वहां के राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में, उनके शपथ ग्रहण में पहुंचे थे और तब कहा गया था कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बेहतर होंगे। और उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, दूसरा जो उनका कार्यकाल है, मालदीव से ही अपने विदेश दौरे की शुरुआत वो कर रहे हैं, फिर मालदीव से उनका श्रीलंका जाने का कार्यक्रम है और वापसी में वो आंध्र प्रदेश जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलने वाले हैं, पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री को आप देख रहे थे और ये उनकी पूजा अर्चना करते हुए सीधे तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर। जनसभा को उनको संबोधित करना है, बीजेपी वर्कर्स को संबोधित करना है। शुक्रवार रात यानी कल रात वो पहुंचे थे केरल और आज गुरुवायूर मंदिर पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना वो यहां पर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है, मुस्तैद की गई है और चैलेंजेस बहुत सारे हैं। 9:30 से 10:30 के बीच मंदिर दर्शन का ये कार्यक्रम रखा गया है और ये बात अहम हो जाती है कि चुनाव जीतने के बाद केरल में पहली बार बीजेपी वर्कर्स को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करने वाले हैं। और ये स्थानीय भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। लेकिन इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, वो थ्रिसूर जिले के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर की। तो विशेष वेशभूषा में प्रधानमंत्री और ये देखिए आप बाहर भक्तों की आवाज भी सुन पा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हाथ जोड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचे, विशेष भूषा में जो ट्रेडिशनल वेशभूषा है उसमें पहुंचे। और ये भी है कि जब से प्रधानमंत्री के वहां पर जाने की खबर सामने आई वहां पर काफी जोश था, वर्कर्स में भी और जो आम लोग हैं उनमें भी प्रधानमंत्री की इस विजिट को लेकर काफी उत्साह है। इसे आप ऐसे भी देखिए, देखिए तो ये आम लोग जिनमें उत्साह है। और कल आपको याद होगा राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए, लोगों का रोड शो उनकी तरफ से किया गया था और अब प्रधानमंत्री गुरुवायूर मंदिर में। ये तस्वीरें अहम हैं दो लिहाज से, दो फ्रंट पर इसको आपको समझना है। एक तो ये कि केरल में जीत के बाद, लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर केरल में बीजेपी वर्कर्स को पहली बार संबोधित करने जा रहे हैं। दूसरा वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है
उस पर आगे बढ़ते हुए मालदीव्स पहुंचेंगे, उसके बाद श्रीलंका जाएंगे और फिर वापसी में एक बार फिर से वो जाएंगे। वापसी में जो उनका पड़ाव है हिंदुस्तान में, अगर राज्य के लिहाज से बात करूं तो वो आंध्रा है। तो हर पहलू से इस खबर को आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि अभी अगर गुरुवायूर मंदिर में है तो जब लौटेंगे श्रीलंका से तो तिरुपति तिरुमला जाएंगे, लॉर्ड वेंकटेश्वरा उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे जब वापस लौटेंगे श्रीलंका से। दोनों ही मंदिर बहुत प्राचीन, बहुत धार्मिक महत्व, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और गुरुवायूर मंदिर में भी श्रद्धालुओं का कितना बड़ा जमावड़ा है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरों में आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर है। लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो आज गुरुवायूर मंदिर में है, 9 तारीख को तिरुपति तिरुमला में होंगे और दोनों ही मंदिरों में बीते दिनों में काफी काम किया गया है। ये तस्वीर देखिए, तो देखिए तराजू जिसमें ऐसे परंपरा के लिहाज से अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो यह है कि अपने वजन के हिसाब से दान किया जाता है। और दूसरी तरफ देखिए, इंटरेस्टिंग तस्वीर, कैमरा पर्सन जरूर इस पे जूम इन करेंगे बाद में, क्योंकि दूसरी तरफ कमल है। देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे हैं एक पलड़े पर और दूसरी तरफ आप कमल के फूल को देख पा रहे हैं। कमल जो कि भाजपा का चिन्ह भी, एक तरफ कमल दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। गुरुवायूर मंदिर की तस्वीरें हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं। बड़ी संख्या में भक्तों की यहाँ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास इन दोनों ही मंदिरों पर। ये गुरुवायूर मंदिर की तस्वीरें हैं। वापसी में जब लौटेंगे श्रीलंका से तो आप तिरुपति तिरुमला से भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें जी न्यूज पर देख पाएंगे। केरल का त्रिशूर जहाँ पर ये मशहूर गुरुवायूर मंदिर, मंदिरों में इन दोनों ही मंदिरों की अगर बात करूँ, तिरुपति तिरुमला और साथ ही गुरुवायूर मंदिर की, तो मंदिरों में बहुत काम हुआ है। लेकिन जो भक्तों का उत्साह, श्रद्धा, विश्वास, वो दूर दूर से लोगों को खींच ही लाता है। तो प्रधानमंत्री जो पारंपरिक वेशभूषा है मंदिर में दर्शन करने के लिए उसे धारण किए हुए हैं, वजन के हिसाब से जो परंपरा है कि वजन के हिसाब से आप दान देते हैं, वो इंटरेस्टिंग दिलचस्प तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। एक तरफ प्रधानमंत्री थे पलड़े में तो दूसरी तरफ आपने देखा कमल के फूलों को रखा गया था और साथ ही एक तरफ ये पूजा अर्चना भगवान कृष्ण की, वापसी में दर्शन करेंगे लॉर्ड वेंकटेश्वरा के। और इस मंदिर दर्शन के बाद, पूजा अर्चना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बीजेपी वर्कर्स को वहां पर संबोधित करने वाले हैं, तो उनमें काफी उत्साह है। अब निगाह इस बात पर कि प्रधानमंत्री उनसे कहते क्या। ये देखिए लॉर्ड कृष्णा की बात हम कर रहे थे, 5000 साल पुराना ये मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण को आप इस समय अपने स्क्रीन पर, और ये अब प्रधानमंत्री अपने पारंपरिक परिधान में, और ये जिस परंपरा का जिक्र हम आपसे बार बार कर रहे हैं। और ये भी है कि ये जो मंदिर है गुरुवायूर मंदिर जो है उसमें ये कहा जाता है कि एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है, उसको पहनना बहुत जरूरी हो जाता है, मुंडू से कहा जाता है। और प्रधानमंत्री इस समय वहीं के पारंपरिक वेशभूषा में आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ केरल के गवर्नर हैं जस्टिस रिटायर्ड पी सतासिवम और
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी आपके स्क्रीन पर ट्रेडिशनल अटायर में पूजा करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, परंपरा का पालन करते हुए अब निगाह इस बात पर भी रहने वाली है कि वो बीजेपी के वर्कर्स के बीच में क्या संदेश लेकर जाते हैं। और ये तस्वीरें उस समय आई हैं जब प्रधानमंत्री को अपने विदेश दौरे पर निकलना है। मालदीव जाने वाले हैं और उसके बाद उन्हें श्रीलंका जाना है। हम लोग किधर जाएंगे फिर? हम लोग गेस्ट हाउस में। और ये गुरुवायूर रिचुअल हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जिसमें कमल को आप एक तरफ तराजू के और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठे हुए देख रहे हैं। तो थूला भरम ऑफरिंग कहा जाता है और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप में जो कम्युनल हार्मनी है उसका एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो कमल के फूल हैं इसे मुस्लिम फार्मर्स जो हैं, जो मुस्लिम किसान हैं स्टेट के, वो सप्लाई करते हैं। तो करीब 110 किलो कमल के फूलों की बात यहाँ पर की जा रही है इन सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स में कि 110 किलो कमल के फूल लाए गए हैं प्रधानमंत्री की इस परंपरा के लिए, इस परंपरा को फॉलो करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ तराजू में कमल के फूल के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो दूसरी तरफ हम आपको बार बार आपसे कह रहे काशी विश्वनाथ। ये तस्वीरें आई थी जब प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज की तस्वीरें इस लिहाज से बेहद अहम हो जाती हैं कि प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ बीजेपी वर्कर्स को अभी थोड़ी देर बाद संबोधित करने वाले हैं केरल में, बल्कि उसके बाद वो अपने विदेश दौरे के लिए भी रवाना होंगे। और मालदीव्स के बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका भी जाएंगे और मालदीव्स में श्रीलंका की पार्लियामेंट को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री, जो एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ कमल के फूल हैं, ये जो परंपरा है थूला भरम इसे कहते हैं, 2008 में भी प्रधानमंत्री इसी परंपरा को फॉलो कर चुके हैं। और ये देखिए, अब बाहर निकल आए हैं, पूजा अर्चना करने के बाद बाहर निकल आए हैं। तो 5000 साल पुराना ये गुरुवायूर मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले पहुंचे। किस तरह से यहाँ पर जो एक बड़ी परंपरा रही है कि अपने वजन के मुताबिक आप दान करते हैं, प्रधानमंत्री के सात तराजू के पलड़ों की बात करूं तो एक तरफ प्रधानमंत्री थे तो दूसरी तरफ कमल के फूल थे। थूला भरम इसे कहा जाता है, इस रिचुअल को। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री का बीजेपी वर्कर्स के बीच जाने का कार्यक्रम है, उन्हें संबोधित करेंगे। ये आयोजन किया गया है जो लोकल बीजेपी की यूनिट है, लोकल बीजेपी यूनिट द्वारा। क्या प्रधानमंत्री कहेंगे, क्योंकि पहली बार प्रचंड जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री केरल में बीजेपी वर्कर्स को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। और ये साथ ही जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, वहां पर स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड की बात कही जाती है इस मंदिर में, और प्रधानमंत्री उसी परंपरा का पालन करते हुए इस समय आपके स्क्रीन पर उनके ट्रेडिशनल वेशभूषा जो है मंदिर के लिए, उसी में प्रधानमंत्री को इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी वर्कर्स को संबोधित करेंगे, उसके बाद मालदीव्स का रुख करेंगे, वहां की पार्लियामेंट को उन्हें संबोधित करना है। दोनों देशों के बीच नेबरहुड फर्स्ट की बात प्रधानमंत्री बार बार करते आए हैं। निगाहें इस बात पर कि मालदीव्स और भारत के रिश्ते अब आगे किस तरह से बढ़ते हैं। उसके बाद श्रीलंका का रुख करेंगे, आतंकवाद की समस्या से परेशान रहा है, बड़ा चैलेंज रहा है श्रीलंका के लिए। और फिर वापसी में आंध्रा जाएंगे लॉर्ड वेंकटेश्वरा के
दर्शन करेंगे। दोनों ही मंदिर पुराने हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भक्ति की आस्था रही है, श्रद्धा रही है, और प्रधानमंत्री भी इन मंदिरों से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए, जैसा कि अभी आपने गुरुवायूर मंदिर में देखा, और अब मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद बाहर आते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, गणपति हैं, अयप्पन हैं और भगवती हैं। तो जीत से पहले केदारनाथ से तस्वीरें याद होंगी, बद्रीनाथ भी गए थे तब, जीत के बाद लेकिन शपथ से पहले काशी विश्वनाथ गए थे, और अब शपथ के बाद गुरुवायूर, विदेश दौरे से पहले आप इसे कह सकते हैं, शपथ के बाद और पहले विदेश दौरे से पहले और पहले विदेश दौरे के बाद लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल, चौथी तस्वीर ऐड हो जाएगी 9 जून को जब वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये मंदिर परिक्रमा की एक सीरीज आप इसे कह सकते हैं। केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ भी गए थे, ये जब काउंटिंग होने से पहले की तस्वीरें हैं और मतदान खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ जीत के बाद, प्रचंड जीत के बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल की तस्वीरें हैं, मंदिर की तस्वीरें हैं, लेकिन तब तक शपथ नहीं ली थी, अब शपथ ले चुके हैं, पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं, मालदीव्स उन्हें जाना है, उसके बाद श्रीलंका का रुख करेंगे। उससे पहले गुरुवायूर मंदिर, 5000 साल पुराना ये मंदिर और ये परंपरा, वजन के मुताबिक दान। तो दूसरी तरफ आप कमल के फूलों को देख पा रहे हैं। पांच हजार साल पुराना ये मंदिर है, और जब वापस आएंगे तो तिरुपति जाएंगे लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन करने के लिए। चैलेंजेस अपार हैं प्रधानमंत्री के सामने, चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो, रोजगार क्रिएट करने के लिहाज से हो, या फिर विदेश नीति के लिहाज से बात की जाए, और इसीलिए मालदीव्स वो जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो संबंध है उन्हें एक नई दिशा देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी।